गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त और डीआईजी ने शनिवार को खोराबार थाने में आयोजित थाना दिवस में की शिरकत। सुनी फरियादियों की फरियाद, समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने संबंधित बैठक। अधिकारियों को पब्लिक एड्रेस सिस्टम के तहत कोरोना की जागरूकता के दिए निर्देश। कहा, तीन मूल मंत्रों का रखें ध्यान तो दूर भागेगा कोरोना। चिरवाताल थाना क्षेत्र के मजनू चौकी अंतर्गत ग्राम ताजडी में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गई गोली। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती, चल रहा उपचार। एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, जल्द किया जाएगा घटना का खुलासा। जिलाधिकारी के विजय पांडियन और एसएसपी जोगेंद्र कुमार की अध्यक्षता में पीपीगंज थाने पर समाधान दिवस का किया गया आयोजन। फरियादियों की सुनी गई समस्याएं, संबंधित कर्मचारियों को निस्तारण के लिए दिए गए आदेश। यूपी में देश की सबसे खूबसूरत और भव्य फिल्म सिटी बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान से गदगद हुए सदर सांसद रवि किशन। डीसीएम योगी को बधाई, कहा, मेरे 18 वर्षों के संघर्षों को अब मिली सफलता। रोजगार व पर्यटन के बढ़ेंगे अवसर, भोजपुरी व क्षेत्रीय भाषाओं को मिलेगा बढ़ावा। बंजरहा के पास फाइनेंस कंपनी के मैनेजर से लूट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। दो लुटेरों को किया गिरफ्तार। घटना में इस्तेमाल बाइक, पिस्टल, तमंचा, कारतूस के साथ ही लूटा गया 40,000 रुपया किया बरामद, भेजा जेल। नगर विधायक की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रधानमंत्री आवास योजना तथा डूडा की अन्य योजनाओं के मूल्यांकन संबंधित बैठक। कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के निरस्त लाभार्थियों के नाम करें सार्वजनिक। लॉकडाउन के बाद पहली बार सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में कैंट थाने पर आयोजित हुआ संपूर्ण थाना दिवस। कहा, ज्यादातर आए भूमि विवाद के मामले, कुछ मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण। 20 सितंबर को जिले में 49 केंद्रों पर आयोजित होगी लोक सेवा आयोग के समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा। 23,130 परीक्षार्थी होंगे शामिल। एडीएम सिटी ने कहा, तैयारियां पूरी, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगी परीक्षा। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल के नेतृत्व में शहर के 5 जगहों पर मोबाइल वैन लगाकर कराई गई कोरोना की जांच, ताकि कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण की तोड़ी जा सके चेन। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की मासिक बैठक। कहा, व्यापारियों की समस्याओं का होगा हर संभव समाधान। कोविड-19 के जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए तिवारीपुर थाने पर आयोजित किया गया थाना दिवस। फरियादियों की सुनी गई समस्याएं, निस्तारण के दिए गए आदेश। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत शनिवार को जंगल सालिग्राम में किया गया पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन। कुपोषित बच्चों की जांच, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण सहित पौष्टिक आहारों की दी गई जानकारी। सीडीपीओ ने कुपोषित बच्चों को संतुलित आहार की दी जानकारी। कहा, बच्चे कुपोषण से रहें स्वस्थ। गोरखपुर में शनिवार को कोरोना के मिले 212 नए संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 13,912। एक्टिव मरीज हुए 1563। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। नगर निगम के सदर हाल में अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, परियोजना निदेशक डूडा की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बैठक। संबंधित कर्मचारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक शातिर अपराधी को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ कैंट ने कहा, चेकिंग के दौरान बरामद हुई चोरी की मोटरसाइकिल, मुकदमा दर्ज कर भेजा गया जेल। और बहलगंज पुलिस ने टॉप 20 में शामिल अपराधी को किया एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार, भेजा जेल।